हेलो दोस्तों, कैसी हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैंने एक मेकअप वीडियो शूट किया है। सामने ही है हमारी बंगाली न्यू ईयर यानी कि पोयला बोईशाख फेस्टिवल। इस दिन हर बंगाली लड़कियां साड़ी पहनना पसंद करते हैं, स्पेशली सफ़ेद साड़ी। तो मैंने भी यहाँ पे एक सफ़ेद साड़ी पहन लिया है। तो मुझे ज़रूर कॉमेंट करके बताना कि आप लोग को मेरी ये साड़ी कैसी लगी है। मैंने यहाँ पे जो लुक क्रिएट किया है ये काफ़ी इजी है, लॉन्ग लास्टिंग और स्वेट प्रूफ है। जो भी प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो अंडर 399 है, काफ़ी अफोर्डेबल है। पहली बार मैंने यहाँ पे ग्लिटरी आई मेकअप क्रिएट किया है, ये फर्स्ट टाइम है। इससे पहले मैंने कभी भी ग्लिटरी आई मेकअप क्रिएट नहीं किया है। तो मुझे ज़रूर कॉमेंट करना कि आपको ये ग्लिटरी आई मेकअप कैसी लगी है। आप किसी भी इंडियन फेस्टिवल में इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए बिना बात बढ़ाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने ऑलरेडी स्किन को प्रेप कर लिया है। मेकअप करने के लिए टोनर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन अप्लाई कर लिया है। अगर आप नाइट टाइम पे इस लुक को क्रिएट कर रहे हैं तो सनस्क्रीन को आप अवॉइड करें। अभी प्राइमर अप्लाई कर लेते हैं। प्राइमर अप्लाई करने के बाद हम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे मेबलिन फिट मी की मैट फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। मेरी स्किन काफ़ी ऑयली है तो इसलिए मैं यहाँ पे मैट प्रोडक्ट ही यूज़ करूँगी ताकि मेरी मेकअप लॉन्ग लास्टिंग और स्वेट प्रूफ रहे। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप यहाँ पे सीरम फाउंडेशन अप्लाई करें। इससे आपकी स्किन हाइड्रेट भी रहेगा और आपकी मेकअप ड्राई नहीं होगा। फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए मैंने यहाँ पे एक डैम स्पंज लिया है और इसे हम अच्छे से स्किन पे ब्लेंड करेंगे। तब तक ब्लेंड करेंगे जब तक ये नेचुरल फिनिशिंग नहीं देता है। फाउंडेशन अच्छे से मेरी स्किन पे ब्लेंड हो गया है, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट हम कंसीलर अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी की कंसीलर लिया है जो कि मेरी स्किन टोन से थोड़ा लाइट है। जिस जिस एरिया मुझे हाईलाइट करना है उस एरिया पे मैं कंसीलर को अप्लाई करूँगी। और मेरी लिप्स की दो कॉर्नर पे मैं अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मेरी लिप्स के दो कॉर्नर में थोड़ा सा डार्क स्पॉट है, उसे कवर करने के लिए। सेम ब्यूटी स्पंज से मैं कंसीलर को भी अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। कंसीलर यहाँ पे अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अभी हम लूज पाउडर से इसे सेट करेंगे। मैं बस अंडर आई एरिया को ही लूज पाउडर से सेट कर रही हूँ। अभी मैं पूरी फेस में लूज पाउडर अप्लाई नहीं करूँगी और वो मैं क्यों नहीं करूँगी आपको बताती हूँ। मैं यहाँ पे क्रीम ब्लश अप्लाई करूँगी, इसीलिए मैंने पहले लूज पाउडर अपने फेस में नहीं लगाया है। तो क्रीम ब्लश को मैं ऐसे इस तरीके से डॉट डॉट करके लगा देती हूँ मेरी चीक्स में और फिंगर के मदद से मैं इसे ब्लेंड करूंगी। आप चाहे तो स्पंज से भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं या तो आप मेकअप ब्रश से भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं, पर फिंगर से ये बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है चीक्स में। तो देखिए कितनी स्मूथली ये ब्लेंड हो गया है मेरी चीक्स में। और थोड़ा सा ब्लश मैं अपने नोज में भी ब्लेंड करूंगी। ब्लश अप्लाई करने के बाद अभी मैं अपनी बेस को लूज पाउडर से सेट करूंगी। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप कॉम्पैक्ट के इस्तेमाल करें। मेरी बेस मेकअप यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट मैं अपने आईब्राउज को फिल कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे आई शेडो से ही अपने आईब्राउज को ड्रॉ कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे आईब्राउ पेंसिल भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपने दोनों आईब्राउज को ड्रॉ कर लिया है। तो चलिए अभी हम आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर की आई शेडो लिया है जिसे मैं अभी अपनी क्रीज एरिया में ब्लेंड करूंगी और साथ ही साथ ब्राउन आई शेडो को अपने आई लिड में भी अप्लाई करूंगी।
आई शेडो को आई लीड में अप्लाई करने के बाद क्रीज एरिया को हमें बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना है, क्योंकि हमारी क्रीज एरिया को हमें थोड़ा लाइट रखना है। यहाँ पे मैंने इलाइट टीम की आई ड्रामा काजल लिया है। मैं यहाँ पे आईलाइनर अप्लाई नहीं करूँगी, अपर लैश के ऊपर भी मैं काजल अप्लाई करूँगी और मेरी वाटर लाइन पे भी मैं काजल ही अप्लाई करूँगी। वाटर लाइन के थोड़े से नीचे मैं काजल को फैला के अप्लाई करूँगी। नीचे की तरफ इस तरीके से मैंने काजल को फैला के अप्लाई किया है। अभी एक स्मज ब्रश लेके मैं इसे नीचे की तरफ स्मज करूंगी और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ब्राउन आई शेडो लगा लिया है। तो ये देखिए, नीचे की काजल को मैंने यहाँ पे स्मज कर लिया है। तो इसी तरीके से हम ऊपर की काजल को भी स्मज कर लेंगे थोड़ा सा ब्राउन आई शेडो के साथ। तो देखिए, काजल को मैंने यहाँ पे स्मज कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं ले रही हूँ ग्लिटरी आई शेडो और यहाँ पे जो ये लाइट पिंक कलर है, इस ग्लिटरी आई शेडो को मैं अपने आई लिड में अप्लाई करूँगी। तो ये रही मेरी ग्लिटरी आई मेकअप। तो अभी हम मस्कारा अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी एक आई मेकअप कंप्लीट हो गया है, तो चलिए दूसरी आई मेकअप को फटाफट कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपनी दूसरी आई मेकअप कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे फॉल्स आई लैश लगाऊंगी मेरी आईज को और भी ब्यूटीफुल दिखाने के लिए। मुझे ज़रूर कमेंट करना कि आपको आई मेकअप कैसी लगी है। तो चलिए नेक्स्ट हम कॉन्टोरिंग कर लेते हैं। फेस को कॉन्टोर करने के बाद हाइलाइटर अप्लाई कर लेते हैं। लास्ट में हम लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लव वर्थ की पिंक एंड टॉनिक लिपस्टिक लिया है। ये कलर बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है। मैं यहाँ पे दोनों लिपस्टिक को कंबाइन करके अप्लाई करूँगी। मुझे ये कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको ये कॉम्बिनेशन कैसी लगी है। उसके बाद लव अर्थ की ही पीच मोजी तो मैं कलर लूँगी और इसे मैं अपने अपर और लोअर लिप्स के मिडिल में अप्लाई करूँगी। तो ये रहा मेरी फाइनल लिपस्टिक कलर। तो मुझे ज़रूर कमेंट करना कि आपको ये कॉम्बिनेशन कैसी लगी है। और लास्ट में मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए मेकअप सेटिंग स्प्रे कर देते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे अपना मेकअप तो कर लिया है, तो चलिए जल्दी से मैं रेडी होके आती हूँ। मैंने यहाँ पे साड़ी भी पहन लिया है और मैंने अपने बालों को इस तरीके से टाई अप किया है। तो चलिए इसके साथ मैं कुछ ज्वेलरी भी पहन लेती हूँ। तो मुझे ये वाला इयररिंग अच्छा लगा और मैंने यहाँ पे ऑक्सीडाइज की चूड़ी भी पहन लिया है और नेकलेस भी पहन लिया है। तो मुझे ज़रूर कमेंट करना कि आप लोगों को मेरी ये ऑर्नामेंट्स कलेक्शन कैसी लगी है इस लुक के साथ। और इस लुक को मैं कंप्लीट करूँगी एक छोटी सी लाल बिंदी के साथ। तो दोस्तों, ये है मेरी फाइनल लुक। तो मुझे ज़रूर कमेंट करना कि आप लोगों को मेरी ओवरऑल लुक कैसी लगी है, मेरी साड़ी की कलेक्शन, मेरी ऑर्नामेंट्स की कलेक्शन और इस लुक को मैंने जो क्रिएट किया है, ये आप लोगों को कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं तो इस चैनल में आप लोग मेरी मेकअप, फैशन, स्किन केयर और मेरे डांस को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए, अभी मैं वीडियो को यही पे एंड करती हूँ। और हाँ दोस्तों, शुभ नववर्षेर प्रीति ओ शुभेच्छा सबाई के।